हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज एडिटिंग। आवर टॉपिक इज एडिटिंग, इट्स वेरी यूजफुल फॉर क्लास 9th एंड 10th। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही यूजफुल है बेटा। और एडिटिंग अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ आते हैं। ये आपका 4 मार्क्स में आता है। किसमें आता है बेटा? ये 4 मार्क्स में आता है आपका। बहुत ही ईजिली है। इसमें ग्रामर का आपको जरूरी नहीं कि थोरोली आनी चाहिए, थोड़े से ही रूल होते हैं, वो कवर कर लो आप उसके। इसमें आपको मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ क्या क्या रूल आपको थोड़े से कवर करने हैं। टेंसेस से रिलेटेड थोड़े से, ज़्यादा नहीं। प्रेपोजिशन और क्या होते हैं इसमें, वॉइस और आर्टिकल, और सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये थोड़े से एरियाज आप फोकस कर लो तो ये आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, और इससे आपकी ग्रामर भी स्ट्रोक होती है, इसकी नॉलेज भी। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। जैसे कि आपका टॉपिक है एडिटिंग, एडिटिंग वर्ड देखो पहले कहाँ से बना बेटा, एडिट से। किससे बना है ये? एडिट से। एडिट क्या होता है? किसी भी चीज़ को करेक्ट करना, ठीक करना। एडिट क्या होता है? करेक्ट करना, ठीक करना। अब आपके एग्जाम में यहाँ पर एरर लिखा आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा आएगा? करेक्शन। एरर का मीनिंग क्या होता है बेटा? मिस्टेक। एरर का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक। और करेक्शन का मीनिंग क्या होता है? ठीक करना। करेक्ट वर्ड से क्या बना है? करेक्ट से बना है ये करेक्शन, यानी कि गलती को ठीक करना। अब आपका फर्स्ट सेंटेंस, पहले तो आपको एक बार एक ओवरऑल रीडिंग लेके सारी थोड़ा सा फाइंड आउट करना होता है कि हमारा टेंसेस कौन सा है, मीन्स प्रेजेंट है या पास्ट है। सबसे पहले मेन आपने ये देखना है, या फ्यूचर है। ये वैसे बहुत कम आता है फ्यूचर बेटे, ज़्यादातर हमारा पास्ट या प्रेजेंट में ही आता है। और ये भी चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको ये करवा रही हूँ, ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, कंपार्टमेंट के री में और जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो करवा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ ये जो समझोगे वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ओवरऑल आपको फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहली बात है वो क्या है, आपको टेंस पता करना है कि ये कौन से टेंसेस में है, कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है। जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ, बल्लू यूज टू, पहले ही पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, स्टार्टिंग में आ गया हमारा। तो अभी देखो इसमें, बल्लू यूज टू सिट ऑन फ्रंट ऑफ, कभी भी ये याद रखना बेटा, फ्रेजर होती है ये, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर ये रोंग है, यहाँ पर ये रोंग है। एग्जाम में आपने ऐसे रोंग नहीं डालना, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली मिस्टेक पकड़ी गई, ऑन फ्रंट नहीं होता। यहाँ पर ऑन क्या है? मिस्टेक होगी, एरर। और इसका सही करेक्शन क्या आएगा? इन। हमेशा क्या आएगा? इन। क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ। आप कहीं भी जब प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ोगे तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ होता है, के सामने, ना कि ऑफ फ्रंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑफ विच द नेशनल बैंक द फार्मर्स विच। अब यहाँ पर मिस्टेक है हमारी, क्योंकि फार्मर्स क्या है? लिविंग बींग है। फार्मर्स क्या है? लिविंग बींग। और विच क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप किस पे फोकस करना, रिलेटिव प्रोनाउन पर। विच क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, निर्जीव चीज़ों के लिए। लेकिन फार्मर क्या है? इंसान है। तो इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा क्या आएगा? हु। कौन सा आता है? हु। तो मिस्टेक हमारी क्या हुई? विच। क्यों? क्योंकि ये फार्मर के लिए आया, और फार्मर के लिए विच नहीं आएगा, हु आएगा। क्या आएगा? हु। ठीक है बेटे, तो द फार्मर्स विच वर यहाँ पर ठीक है, क्योंकि फार्मर्स ज़्यादा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वो जो होता तो यहाँ पर क्या होती? मिस्टेक होती। ये करेक्ट है बेटा। इन नीड ऑफ मनी, वॉन्ट। देखो हमारा पास्ट टेंस में चल रहा है, और वॉन्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या आएगी बेटा? सेकेंड फॉर्म आएगी। हमने वॉन्ट एरर में लिख दिया, और वॉन्टेड किस में लिख दिया? करेक्शन में लिख दिया। टू गेट, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये करेक्ट है बेटा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। लोन्स ऑफ द बैंक, ऑफ द बैंक नहीं होता, बैंक का लोन नहीं, बैंक से लोन। किससे होता है बेटा? बैंक से लोन। तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक क्या है? ओ। क्या है? ओ। बैंक का लोन नहीं। देखो आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए रूल्स के साथ। खाली आपको रूल्स की नॉलेज और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि कहना क्या चाह रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक्स में क्या लिखा बेटा? ओ। और करेक्शन में क्या लिखा? फ्रो। क्या लिखा? फ्रो। दे विल, विल तो आ ही नहीं सकता, ये तो प्रेजेंट टेंस में। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमने वॉन्ट का वॉन्टेड किया, यूज टू आया हुआ है, तो यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, विल हमारी क्या है? एरर है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वुड। क्या हो जाएगा बेटा, वुड। बल्लू वुड, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वुड दिया भी हुआ है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। वुड हेल्प देम टू फिल ऑन द एप्लीकेशन, कभी भी फिल ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, क्या होता है, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होता है, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये कुछ चीजें आपको याद भी रखनी होती है कि क्या आएगी, ऑन की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पर, इन। क्या आएगा, इन। तो आपने यहाँ पर ओवरऑल देखो, आप सबसे पहले एक प्रेपोजिशन की मिस्टेक, क्या एरिया कवर किया जो मैंने आपको पहले बता रखा था, प्रेपोजिशन का एरिया किया क्या, वन, ये टू और ये थ्री। थ्री तो आपकी पहले ही क्या आ गई, प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स आ गई। तीन क्या आ गई आपके बेटा, प्रेपोजिशन की मिस्टेक। एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की अक्सर आ जाती है। आज जब जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें एक ना एक आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूर मिलेगी। और ये क्या है, टेंस की गलती है। ये किसकी गलती है, टेंस की। टेंस की कितने एरिया कवर हुए हमारे, वन और टू। वॉन्ट की जगह वॉन्टेड, विल की जगह वुड। तो टेंस इसका एरिया कवर हो गया। तो आपके कहीं ना कहीं ये बेसिक ग्रामर के 8-9 टॉपिक ही कवर होते हैं बेसिक ग्रामर से, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए सीखोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक की और हम प्रैक्टिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।